नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल निराला एडू पॉइंट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे क्लास टेंथ का विषय हिंदी का जो पद पाठ है, पद जो भाग है उसमें का हमारी नींद। ये कविता बहुत ही सुंदर ढंग से लिखी गई है और व्यंगा बड़ा अजीब ढंग से लिखा गया। कविता पढ़ने में लगेगा बड़ा और सा, पर इसका मीनिंग बहुत अच्छा निकलता है। इसके जो कवि हैं उनका नाम है वीरेंद्र डंगवाल, और ये शायद इंडियन नहीं है। कहाँ के हैं, कहाँ के हैं वीरेंद्र डंगवाल जी? वीरेंद्र डंगवाल जी इंडियन नहीं है, कहाँ कहते हैं? इसका सारांश पहले हम समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 शायद सारांश ही है। 10 देखिए तो सारांश है ना, 8 है तो सारांश कहाँ है? पहले देखिए तो सारांश नहीं है, फिर हम सारांश को थोड़ा डाल दिए बताने के लिए। ठीक है, वीरेंद्र डंगवाल जी जो है ना, इस कविता में बताए हैं कि वर्तमान समय में जो लोग हैं किस प्रकार से सुविधा जनक जीवन को जीना चाहते हैं। आज लोग दुख में नहीं जाना चाहते हैं, कोई भी आदमी बेपरवाह हो चुके हैं, कह रहे हैं क्या हमारी ज़िंदगी में जो सुख है उसको प्राप्त करें, बस सुख वाला चीज़ ज़िंदगी को जिए। आज बेपरवाह ज़िंदगी जीने के लिए लोग चल रहे हैं, बेपरवाह ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई को चिंता फिक्र नहीं है अपनी ज़िंदगी के भविष्य के बारे में। कभी कहते हैं कि छोटी धरती के नीचे बीज अंकुरा, और वे अंकुरे हुए बीज धरती को दबाया हुआ था, वो खुली हवा में सांस ली और वो ऊपर चली आई, है ना। उसने अपने ऊपर को अवरोध को तोड़ा, धरती का जो पद को फाड़ कर बीज जो है ना, नई बीज जो है ना निकलती है धरती में से, है ना, और ऊपर आकर पेड़ का एक बहुत बड़ा रूप लेती है, बहुत ऊंचा कद हो जाता है उसकी। प्रकृति के इस क्रम में के बाद कवि समाज की ओर निहारता है। कवि एक बात बताते हैं कि पौधा किस प्रकार से इस धरती में अंकुरित होता है और किस प्रकार धरती की परत को तोड़कर आसमान में एक आता है और एक वृक्ष का, विशाल वृक्ष का रूप लेता है। फिर कवि जो है ना तुरंत अपने समाज की ओर देखते हैं, बताते हैं क्या है कि समाज की ओर निहारते हैं, देखते हैं, बताते हैं कि मक्खियों की तरह लोग जी रहे हैं। लोग कैसे जी रहे हैं? मक्खियों की तरह, उनकी तरह से बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं। मक्खियाँ जिस प्रकार से बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं उसी तरह से लोग जो है ना होड़ में बच्चे उत्पन्न करते जा रहे हैं, दर्जनों के दर्जनों बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं, एक एक फैमिली, एक एक जो पति पत्नी है दर्जनों के दर्जनों बच्चे को उत्पन्न कर रहे हैं मक्खियों की तरह, है ना। नतीजा यह है कि उनका जीवन में अरफा तरफी मच चुका है, माने इतनी आज माने जनसंख्या बढ़ गई है कि अरफा माने चारों ओर जो है ना हर जगह पर मारपीट की तरह माहौल बन गया है ना, मारपीट छीना छानी मतलब झगड़ा झंझट का माहौल सब जगह बन चुका है। क्यों तो आखिर ये सब होता है जानते हैं? ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होने से नहीं अच्छा होता है, जब दूर दूर होगा घर हो, कहीं कहीं कम लोग होगा, जनसंख्या आबादी कम होगा तो इतना झगड़ा झंझट होगा जितना हो रहा है? नहीं हो रहा है। जनसंख्या के बढ़ने से ही आप जान रहे हैं कि मेन जड़ है झगड़ा झंझट का, हर चीज़ का अशांति का मेन कारण क्या है, वही है। खोलिए थोड़ा सा, उसमें लग रहा बड़ा अजीब सा। आगे क्या है, नतीजा है कि जीवन के अफरातफी में लोग क्या कर रहे हैं, आज आगजनी आग जला रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, विस्फोट हो रहा है, सब खोलिए अच्छा लग रहा है। अब देखिए आगजनी में सब लोग क्या हो रहा है, माने भयभीत है। किसी आदमी को सुख शांति से देख रहे हैं आप? कभी सुख शांति से जीना बहुत दिनों हो जाता है लोगों के लिए, सुख शांति से मिल नहीं पाता है। आज ये टेंशन, कभी वो टेंशन, भागा दौड़ी की ज़िंदगी हो चुकी है पूरी। सबका कारण जानते हैं क्या है? लोग का केयरलेसनेस होना, बेपरवाह होना, ये सबसे बड़ा कारण है इसका। अब देखिए, अब वो बम फोड़ रहे हैं ताकि अपनी सुविधा का सामान जुटा सकें। सब लोग अपनी सुविधा जो होगी, जिस चीज़ से हमको लाभ होगा, उस सामान को जुटाने में लगे हुए हैं। बस अपनी अपना काम जनता, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, सुहा वाला हो गया था, उल्टा हो गया था। तो कहने का मतलब लोग अपना सिर्फ सामान को एकत्रित करने में लगे हुए हैं, अपना जुगाड़ लगा रहे हैं, दूसरे के बारे में, दूसरे समाज देश के बारे में सोचने के लिए बहुत कम लोगों के पास समय है। ठीक है, दूसरी ओर कुछ गरीब लोग हैं जो अपनी गरीबी अपना नसीब मान चुके, गरीबी को अपना नसीब मान लिए हैं। वे गरीबी से छुटकारा पाने के लिए लड़ने की अपेक्षा गाढ़ी समाई को कमाई को लाउड स्पीकर में लगा कर उड़ा देते हैं, है ना। वहीं पढ़िएगा कविता में बड़ा अच्छा बताया गया है, कविता का और भी थोड़ा देर बाद बताएंगे कि किस प्रकार से कवि जो है बताएं कि लोग गरीब लोग, कुछ लोग गरीब लोग हैं, अपने आप को गरीब मान लिए, अपनी कमाई को अमीर जैसा दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं, अमीर जैसा दिखने के लिए खर्च कर रहे हैं उसको, अपनी कमाई को। ठीक है, आप देखिए वो आप क्या करते हैं, लाउड स्पीकर पे देवी का जागरण कराते हैं, रात रात भर जग के जागरण कराते हैं, और भ्रम में कि देवी देवता उसका जीवन बदल देंगे। जीवन बदलने के लिए देवी देवता थोड़ी ना आएंगे, आपका आपका नंबर दिलाने के लिए किसी देवी देवता का प्रभाव थोड़ी ना पड़ेगा उस पर, वो आपका कर्म का प्रभाव पड़ेगा। कितना कर्म कीजिएगा उतना ही अच्छा नंबर आएगा, जितना कर्म कीजिएगा उतना ज़्यादा तरक्की होगा आपका, आप मंदिर में जाने से नंबर आएगा। अरे दुआ तभी काम करती है जब कर्म करता है इंसान,
दुआएं भी काम नहीं आती है ना, दवाएं भी काम नहीं आती है, समझ गए। मेहनत करंग लाती है, जान लीजिए मेहनत सर्वोपरि होता है, कर्म की प्रधानता है इस धरती पे। भगवान को ही इस धरती पे आके कर्म करना पड़ा था, है ना। तो हम लोग तो इंसान हैं, भगवान जब धरती पे अवतरित हुए ना, वो जानते थे कि हम भगवान हैं, फिर भी उनको भीख मांग के खाना पड़ा था, भीख मांग के गुरु को शिक्षा देना पड़ा। भी गुरु उस सब कुछ जाते थे, भगवान ही जब अवतरित हुए राम, उनको पता था कि हम भगवान राम हैं, विष्णु का अवतार हैं, उनको पता था इस बात को, सबको पता था, फिर भी उनको जाके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना पड़ा, गुरुकुल में जाना पड़ा, गुरु के समक्ष बैठ के ज्ञान का अर्जन करना पड़ा, जबकि उनको सब ज्ञान पहले से था, गुरु को भी पता था कि भगवान है हमारे, फिर भी वो उनके सामने बैठते थे, उनको प्रणाम करते थे, बैठते पढ़ा करते थे। क्या बताना चाह रहे हैं राम जी, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि कर्म भूमि है धरती, जो है क्या है, कर्म भूमि है। यहाँ पे तुम्हारे कर्म से तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा, भाग्य लिखा हुआ नहीं रहता है, लिखा जाता है, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही भाग लिखाएगा, अप टू डेट रहता है एकदम, ठीक है। देखो अपडेट, अभी आप चोरी कीजिएगा, टकटी कीजिएगा, अभी परिणाम निकल जाएगा आपका, कोई ना कोई उपाय कर देगा, कोई ना कोई उपाय चलेगा वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो पूजा भाग्य के भरोसे रह रहे हैं, पूजा पाठ के भरोसे रह रहे हैं, अब देखिए पूजा पाठ समाज के दुश्मनों के बिछाए हुए जाल है, जाल के थारे लोग फंस चुके हैं, अत्याचारी। आज आपको कराना है क्या, हनुमान आराधना, उसके लिए भी आपको राम नाम जपवाने के लिए वो उनको उस पार्टी को आपको पैसे देने पड़ेंगे। कहिएगा राम नाम तो जपना है, उसे तो हम भी आप कहिएगा सर आप भी तो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना तो एकदम अच्छी काम है, तो फिर फी क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि राम नाम से थोड़ा नीचे का चीज़ चलाया, राम नाम प्योर हो गया कि भाई भगवान का आप जप करने आ रहे हैं, राम नाम हनुमान ज्ञान गुरु सागर पढ़ने आ रहे हैं आप, तो पैसा किस चीज़ का ले रहे हैं, हनुमान आराधना करने के कैसा पैसा। तो कहिएगा जाइएगा हनुमान आराधना मंडी के पास, तो कहेगा कौन वाला कराइएगा, 10,000 वाला, 20,000 वाला, 50,000 वाला, 1.5 लाख वाला, 1.5 लाख वाला भी होता है, हाँ वहीं हनुमान जी राम जी बन उनके सब आएंगे, सब कुछ कर कर दिखाएंगे। अच्छा, अरे बाप रे बाप, उनमें लेडीज सिंगर सब आएगी, उनमें लेडीज सब गाने आएगी, डांस कर कर दिखाएगी, उनमें जनमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा ऐसा बात है, 1.5 लाख का हनुमान, अरे उससे भी महंगा वाला आता है, मगर अभी यहाँ नहीं है, कहिएगा तो मंगवा देंगे। हे भाई रहने दीजिए, हमको हनुमान आराधना कराना था भाई, लिस्ट वहाँ पर आता है, उस चार्ट में पढ़ लीजिए, जो ऊपर टेलेक्ट कीजिएगा उसका चार्ज लगेगा, इतना रुपया एडवांस, इतना रुपया काम होने के समय में, इतना रुपया काम होने के बाद, आपका दंग हो जाइएगा आप भाई, हनुमान आराधना करा रहे हैं कि कोई होटल में खाने आए हैं चार चाउमीन, चार्ट दे रहा है, समझ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी हनुमान आराधना का जो मंडली सब है अपने गाँव में, तो छोटे मोटे लोग हैं, छोटे मोटे करा देते हैं, 1,000-2,000 रुपया लेके करा देते हैं, मगर जो बड़े बड़े जाइएगा तो उसमें तो मंडली का लिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें सब कुछ का कितना सामान जाएगा, उस सामान का दाम जोड़ के लेता है सबका, उसी का फेयर लेता है, भाड़ लेता है। तो ऐसा हो गया, तो ये पूजा पाठ भी समाज में जो जाल की तरह बीत चुका है। आज लोग हनुमान आराधना करने के लिए नहीं सोचता, लोगों को खिलाने के लिए सोचता है कि इतना रुपया खर्च हुआ, हनुमान आराधना करने के लिए काहे को खर्च, हनुमान चालीसा लीजिए, राम जी ढोलक लगा रहे, ढोलक रखिए, दो को बजाइए, अजय हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी का फोटो रखे, हो गया हनुमान आराधना, मंडली को बुलाने में काज हो गया, अपने परिवार में बन जाइए सब आदमी, हनुमान जी से धरा दीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अखिलाने कौन जोड़ी है समाज का, पूजा किए हैं, प्रसादी खाइए, खजूरी की खीर पूरी सर तस्मये खिलाएंगे, हैं। तो लोग जब हनुमान आपके मन में आता हो, आप हनुमान आराधना करवाएंगे, तो सोचते अरे भाई इतना का भोज लेना पड़ेगा, पहले लिस्ट बनाइए ना गाड़ी, खाना पीना का, पूजा का लिस्ट कम, खाना पीना का लिस्ट ज़्यादा हो जाता है, सब्जी का आइटम में जितना लिस्ट होता है ना, उससे ज़्यादा उससे कम में होता है पूजा का लिस्ट, क्या सब्जी में इतना मसाला डलाएगा ना, उससे ज़्यादा में पूजा हो जाएगा इधर। अब सोचिए किसके पूजा कर रहे हैं हम, हनुमान जी का, आदमी का पूजा, आदमी की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं इधर, बात समझ में आ रही ना, हम भी करते हैं आदमी की संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि करने के लिए कौन गया वहाँ पे, समझ में आ रही बात। यहाँ पे बहुत सारे लोग आनंद सुख भोग सके, किंतु जीवन ऐसा नहीं है, लाख चरणों के बाद रुकता नहीं, जान लीजिए जीवन चलता रहता है, जान लीजिए, और अपेक्षाकृत उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। कभी क्या कहते हैं, देखिए कभी कहते हैं लाख कोशिशों के बावजूद है ना, कुछ लोग हाँ अनाचार से सिर झुकाते हैं, देखिए क्या करिएगा, कुछ कभी कितना समझा रहे हैं, मगर कभी लोग थोड़ी ना मानेंगे, जानते ही हैं कि लोग आज अनुचित कार्य करने के लिए मना कीजिएगा वही काम करेगा, ठीक है। अभी हम लोग उपहास कर रहे थे, अभी हनुमान चालीसा जारी है, ये बात। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मानव के विकास की कहानी को किस तरह से बाधित किया जा रहा है और किस तरह से बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि कभी हमारे नींद कविता का जो सारांश से समझा रहे हैं, मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़,
कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से धकेलना शुरू की, बीज की फूली हुई छत भीतर से। बीज को हम जमीन में गाड़ देते हैं, रख देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं मिट्टी से, मिट्टी को जकड़ लेता है, पानी वानी हल्का सा पड़ता है, नमी रहता है उसका, तो बीज अंकुरित होता है, होता है, हम लोग सो जाते हैं, मगर वो अंकुरित होकर क्या करता है, जमीन की फाड़ कर देखिएगा निकलता है वो। दो चार दिन के बाद देखते हैं तो सुबह से जमीन से निकला, फाड़ कर ऐसे निकल गया है अंदर से, और कोमल होता है बहुत, तो हाँ छूट जाता है, टूट जाएगा बेचारा, मतलब तो उसको कोमल में कितना पावर होता है कि जमीन को चीर कर निकल जाता है, कभी कभी दीवार के छत को चीर कर निकल जाता है, कभी कभी दीवार में हो जाता है पेड़ तो उसको दीवारों को फाड़ देता है, उसका जड़ कोमल जड़ में इतना पावर कैसे आता है कि दीवार को फाड़ देता है, छत को फाड़ देता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिरा जाता है पेड़, ऐसा ऐसा भी इतिहास देखने को मिला है, दीवार के पेड़ में पीपल का पेड़ जम जाएगा, छोड़ दिया तो बढ़ते 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 आपका पेड़ पूरा घरों को गिरा देगा, दीवार वाला छत सब गिरा देता है, ऐसा हो जाता है। तो उसमें इतनी कोमलता में इतना गहराई कहाँ से आया उसको, कहाँ से उसको मतलब आया ताकत, देखिए और बढ़ गया रुका नहीं, आप बीज समझ के डाले परंतु अंकुरित होकर वो धीरे धीरे पेड़ का रूप ले लेगी, आम का गुठली डाले धीरे धीरे वो निकला और पौधा विशाल बन सकता है। अब देखिए ये बताना चाह रहा है कि आप चाहिए ना चाहिए, आप सो जाइए, कोई काम करिए, जहाँ रहिए, मगर समाज दुनिया चलती रहती है, समय रुकता नहीं, कभी बताना चाह रहा है कि रुकती नहीं है। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए, कहाँ पे, दंगे, आगजनी और बमबारी में। आदमी का जीवन आज मक्खी का जीवन हो गया, कब मरेगा कोई ठिकाना नहीं है। अभी आ रहे कहीं जा रहे थे रास्ते में, कुछ नहीं, हम साइड से जा रहे थे, बाइक वाला आया उड़ा के चला गया, हॉस्पिटल में गए, आईसीयू में भर्ती हुए, दो दिन के बाद कहानी सब था ख़त्म, बाइक वाला से 2 लाख रुपया घर से मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, जान तो चली गया, कितना है जीवन, कितना सिक्योर है। स्कूल जा रहे थे, एनएच रोड पर जा रहे थे, कितने ट्रक बसेस जा गुजर रही थी, पिकअप स्कॉर्पियो कितनी तेज़ रफ्तार में होती, देखी ली होगा, पुल सब बनने दीजिए, मन्नत पुल बनने दीजिए, उसके बाद देखिएगा तो क्या स्थिति रहता है, कोई ठीक नहीं है, घर जा रहे हैं वापस आइए, कोई ठिकाना है कहाँ पे क्या होगा, कुछ ठिकाना है, जा रहे रास्ते में तार गिर जाएगा इलेक्ट्रिक पोल, बस वहाँ कोई गाड़ी आई ठोकर मार के चली गई, स्वाहा हो सकते हैं, कोई आदमी बिना मतलब है कि किसी को गोली मारने जा रहा था, आपको लग गया बेवजह लग गया, कोई ठीक है, कोई झगड़ा हो रहा था रास्ते में, कोई बेटा बाप को मारने जा रहा था, दमाशी चलाया, आपको लग गया, आप बिना मतलब के मारे गए, कुछ आदमी का जीवन का कोई गारंटी है, कोई वारंटी है, हर सामान का तो गारंटी दे देता है, फिर दूसरा गारंटी है रिप्लेसमेंट, ऐसा यही है ना, आदमी का तो क्वेश्चन का गारंटी कोई नहीं दे सकता है, आदमी को गारंटी दे दे दूसरा जिएगा, पंडा जी लोग बताते हैं कि बहुत दिन जीवा, कहता है बहुत दिन जीवा, बस बोले बहुत लंबा उम्र है आपका, लंबा उम्र है, बहुत लंबा जिएगा, बस इतने कहता है, उसे ज़्यादा नहीं कहेगा वो, गारंटी दीजिए बाबा जी को लिख के, कहें नहीं बाबा इसमें गारंटी नहीं होता, हमारे गारंटी नहीं है अभी, है ना, हम खुद चल रहे हैं, कहने का मतलब आदमी के जीवन का कोई भरोसा है, आजकल तो इतना लोग हो गया है कि दंगा में, आगजनी में, बमबारी में कहाँ मार जाइए, कोई ठीक है, कोई ठीक नहीं इंसान का, है ना, मक्खी की जिंदगी हो गई, मक्खी को जैसे मारते हैं एक चपटा बस गिर जाता है, उन्हें मर जाता है, मक्खी जन्म लेता है 4-5 दिन जिंदा रहता है, 5 दिन का जीवन काल होता है, 5 दिन में जन्म लिया और मर जाता है बेचारा, मक्खी मच्छर सबका वही हाल है, जीवन उसका नहीं होता, मक्खी नहीं पकड़ता, बट मक्खी जन्म लेता है और कब मर जाता है उसका, मतलब 4-5 दिन के अंदर में स्वाहा हो जाता है, जीवन ही उतना होता है उसका, मक्खी का जिंदगी हो चुका है, कब मरेगा उसका कोई गारंटी नहीं, उसी तरह से इंसान का जिंदगी आज मक्खी का जिंदगी हो गया है, कोई गारंटी नहीं कब मरेगा, ठीक है, कभी ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया आताताई हो चुकी है, क्या हो चुकी है, आताताई, किसको जान मार देगी कब, कोई ठीक नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी का जागरण लाउड स्पीकर पर, बस्ती कैसी है, गरीब लोग कैसे रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, मगर देवी का जागरण किस पर हो रहा है, लाउड स्पीकर पर, डीजे बजा के देवी का जागरण करेंगे, कहाँ लगे जाते हैं, हैं अमीर भाषा के नगर बस्ती में डीजे पर होता है जागरण, हनुमान आराधना, तो हम कि माइक पर करवाएंगे, हम वो डीजे लगवाएंगे, अरे ओकरा पास कर लाखों रुपया पैसा आता आमदनी हो तो हम ना करवाई थे, हाँ कोई बात नहीं है, हम गरीब तक आओगे, भले 2 महीना के कमाई जाएगा डीजे में, मगर लगाएंगे डीजे, देवी का जागरण कराना है किस पे, लाउड स्पीकर पर, यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हटीला फिर भी बढ़ता ही जाता है हमारी नींद के बावजूद। देखिए आप सो जाते हैं, हम सो जाते हैं, मगर अत्याचारी लोग
हमको तबाही करने के लिए पूरा समाज जुटा लिए, वो नहीं सोते हैं, प्लानिंग बना रहे हैं आपको कैसे लूटें। चोर उचक्का गुंडा मवाली जितने अत्याचारी लोग होते हैं आतंकवादी, वो क्या लगता है आपको, आपके सोने से सो जाता है? अरे वो जगता है तब भी जब आप सोते हैं, अभी आप जगे हुए हैं, कोई ठीक नहीं जगा के सो रहा है, बट उसको प्लानिंग चलता है पूरा, आपको बर्बाद करने का प्लानिंग चल रहा है। हम लोग को पूरा बर्बाद करने की प्लानिंग उसका बना रहा है, निर्दोष आदमी को लूटने का, मारने का, किडनैपिंग करने का, जान लेने का, ये तारों प्याज करने का, सब प्लानिंग बना रहा है लोग। आप अपने आप सतर्क रखिए, नहीं तो तेको होगा आँख बंद दिबा, कोई ठीक नहीं है आपका लाइफ, धन संपत्ति, इज्जत आबरू, सामान वस्तु, ये कुछ भी लूट सकता है आपका, कोई कोई ठीक नहीं है। सारे उचक्के बैठे हुए हैं चारों ओर, ठीक है। अब क्या करें, सभी चीज़ बचा चुका है जीवन ने, अगला क्या करें यहाँ पे। और लोग भी, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं, भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। और लोग कहते हैं इनकार कर देते हैं, ना ना ठीक ठाक है, कुछ दिक्कत नहीं है। अरे भाई दिक्कत है कहाँ, दिक्कत नहीं है, नहीं ना वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अरे भाई कहाँ दिक्कत नहीं है, सब जगह दिक्कत है, जान का गारंटी तो है ही नहीं है कहाँ से वापस आएंगे कि नहीं है, कहीं दिक्कतें नहीं है, सब जगह दिक्कत है कहाँ दिक्कत नहीं है तो बताइए, कितना दिक्कतें नहीं, जाइए ना बोलू। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हमारे जीवन का कोई गारंटी नहीं, फिर भी उसको हम लोग क्या करते हैं ना, इस समझते ना हमारे से उम्र ज़्यादा है कि अभी हमें बहुत कुछ करे के बाद, सब लोग यही सोचता है जो आज बस उल्टा, आज अपने इंडिया में बस उल्टा होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा मर्डर हुआ होगा कि नहीं होगा इंडिया में, अरे बहुत हुआ होगा, क्या अपने इंडिया, आज की बात कर रहा हूँ, अभी भी किसी का मर्डर हो रहा होगा, अभी भी किसी का किडनैपिंग हो रहा होगा, अभी किसी का रेप हो रहा होगा, किसी अभी जब किसी पर किसी को लूटा जा रहा होगा, घर परिवार को हुआ कि नहीं होगा, ऐसा था न्यूज़ में आप सुनते हैं, अभी न्यूज़ खोल के देखिए अभी पता चल जाएगा कि अभी थोड़ा देर पहले मारा गया, फिर थोड़ा देर बाद खोलिए, फिर अभी थोड़ा देर पहले मारा गया, क्या न्यूज़ में सुन रहे हैं आप, सब जगह तो यही कांड हो रहा है, मारपीट, गुंडा फसाद हो रहा है, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, हम सिक्योर हैं, हम सुरक्षित हैं, हमको कुछ नहीं होगा। जो लोग मारा गया है ना, वो भी यही सोचता था कि हमको कुछ नहीं होगा, दुनिया में कोई सिक्योर नहीं है, कोई भी आदमी बढ़िया से सुरक्षित नहीं है, सब लोग सबके नज़र में चढ़े हुए हैं, बस उसको मौका तो मिलना चाहिए, अत्याचारी लोग को आपका तुरंत सफाया कर सकता है वो, सावधान रहिए, ठीक है ना। कभी सावधान कर रहे हैं हमको कि दुनिया में अत्याचारी लोग क्या है, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, सावधान रहिए, इसी में भलाई है, ठीक है, सतर्क रहिए, अपना सामान की सुरक्षा स्वयं करिए, हर चीज़ की सुरक्षा कीजिए, अपने जान, हर चीज़ की सुरक्षा रखिए। सड़क पर चलते हैं तो अनाधुन मत चलिए, कि ऐसा कोई यही नहीं होता है कि आप गलती बाएं से चल रहे हैं तो आपको ठोकर नहीं मरेगा, ठोकर मारना होगा सामने से आकर ठोकर मरेगा, ये जाइएगा वह जाकर ठोकर मारेगा, कोई ठीक है, कोई ठीक है जी, आप राइट में हैं फिर भी आपको ठोकर मार के चल जाएगा, रॉन्ग वे में वो आ रहा था मगर ठोकर मारा था, जीवन गया आपका, तो राइट में कौन होगा, कौन राइट है कौन रॉन्ग, क्या जी आप सही है, कोई ठीक नहीं है कि आपको सही रहने देगा, लोग बहुत खतरनाक लोग सब है, ये बताना चाह रहे हैं कभी कि आज का चलिए ऑब्जेक्टिव मुझे बताइए, इसका लेट नहीं करते हैं। प्रश्न है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, हमारी नींद के रचयिता कौन है? वीरेन डंगवाल। अगला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? जनवाद, रहस्यवाद, रीतिवाद, सूफीवाद? तो जनवाद, जनता के लोगों के लिए सोचते हैं। हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन है गलत फॉर्म, बेहोशी, पागलपन, मदहोशी। तो गलत फहमी, या गफलत माने क्या होता है? गलत फहमी, क्या हमारी नींद में जो नींद है वो क्या है? गलत फहमी, मतलब हम लोग गलत फहमी में जी रहे हैं। किसके मतलब गलत फहमी में जी रहे हैं, मतलब हम लोगों का गलत फहमी ये है कि दुनिया आसानी चल रही है, हम लोग सुरक्षित है, मगर ये सब गलत फहमी है, हम लोग सुरक्षित दृश्यक में क्या है, दृश्यक में सृष्टि, सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था? हमारी नींद कैसी कविता है? समकालीन कविता है। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? तो संघर्ष, क्या जरूरी है? स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, नकलची बंदर नहीं बनिए। वीरेन डंगवाल परिवर्तन के पक्षधर है, किस परिवर्तन के? जनवादी परिवर्तन, जनताओं में परिवर्तन चाहते हैं वो। हमारी नींद कविता किस काव्य संकलन से ली गई है? तो ये दृष्टचक्र में क्या है? सृष्टा है, सृष्टा, हाँ वही सृष्टा से ली गई, इसी किताब से ली गई वो। हमारे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए हैं, क्या बढ़ गए हैं?
पेड़ के पेड़, हाँ वही पेड़ का जो पंखुड़ी बढ़ गया नहीं, पेड़ का जो क्या बोलते हैं उसको, अंकुर, अंकुर बढ़ गया नहीं, पेड़ कह सकते हैं, पेड़ पेड़ कुछ अंग बढ़ गए हैं, तो इधर पेड़। ठीक है, अगला है, कई लोग मारे गए दंगे आगजनी, अरे दंगे आगजनी और किसमें, कविता में दिया बमबारी में, दंगे आगजनी और बमबारी में, गरीब बस्तियों में धमाके से हुआ कति कति का जागरण, देवी का जागरण, देवी जागरण हुआ था। डंगवाल की कविता के दृश्य क्या करते हैं, बेचैन कर देते हैं, बेचैन करने वाले कविता है। नाजिम की हिकीमत डैश भाषा के महाकवि है, कैसे कवि, तुर्की भाषा की कमी है, नाजिम हिकीमत उसमें बताया गया है कि तुर्की भाषा के महाकवि थे, उसी पर्यायवाची लेखक के बारे में बताया गया है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अगला है, वीरेंद्र डगवाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो वीरेंद्र डगवाल का जन्म उत्तरांचल के कीर्ति नगर में हुआ था, नहीं चलिए, वीरेंद्र डगवाल के काव्य रचना के अलावा क्या क्या करते थे वो, कौन कौन से लिखे हुए हैं, तो काव्य के अलावा वो कविताओं का अनुवाद हिंदी में करते थे, नहीं ये भी दिया गया उसी में। अगला है, यथार्थ को डगवाल किस प्रकार प्रस्तुत किए हैं, यथार्थ माने सच्चाई, यथार्थ माने क्या होता है, सच्चाई, तो बिल्कुल नए अंदाज में प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल नए अंदाज में बताए हैं, पेड़ के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, देवी के जागरण के द्वारा, अपराधी, बहुत अजीब तरीके से बताया, नहीं लग नहीं रहा था कि इस कविता में इतना कुछ सोचने को मिलेगा, पर छोटी सी कविता लग रहा था कि नॉर्मल चीज़ बता रहा है, जागरण हो रहा है, पेड़ कुछ बढ़ गए हैं, नॉर्मल चीज़ लग रहा था, मगर बहुत बड़ी बात बताया जा रहा है। वीरेंद्र डगवाल कैसे कवि है, तो वीरेंद्र डगवाल जो है ना जनवादी परिवर्तन के पक्षधर कवि है, कैसे है, जनताओं के परिवर्तन होनी चाहिए ऐसे कवि हैं, मतलब हम जो हमारे सोच है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, हम लोग में विचार में बदलाव आना चाहिए, ऐसे कवि है, विचार बदलने वाले कवि हैं, हमारे विचार, अपने विचार नहीं, हमारे विचार को बदलने के लिए ऐसे कविता लिखते हैं। अगला, हमारी नींद कविता का संदेश क्या है, इस कविता को पढ़ने के बाद क्या संदेश मिला आपको, इस कविता के बाद पढ़ने का हमको संदेश मिला कि हमको संघर्ष करनी चाहिए, किसी का नकल नहीं करना चाहिए, है ना, और हम अपने अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन पग पग पर खड़े हैं हमें लूटने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, हमको हर जगह पर सतर्क होना पड़ेगा, नहीं तो कब हमको कब लूट लेगा कोई आदमी, उसका कोई गारंटी नहीं है, यही सब संदेश मिलता है। वीरेंद्र डगवाल की काव्य भाषा कैसी है, तो वीरेंद्र डगवाल की जो काव्य भाषा वो ठेठ भाषा में लिखा करते, देसी ठेठ भाषा में, इस कविता में पढ़िएगा तो देसी ठेठ भाषा में लिखा जाता है, हो गया। चलिए आप कविता में जो प्रश्न उसको देखते हैं, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि किसका बिंब बताए हैं, बताइए, तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में वीरेंद्र डगवाल मानव के जीवन का बिंब उपस्थित किए हैं, कि बताए हैं कि सुविधा भोगी आदमी क्या करते हैं, आराम पसंद जीवन, नींद रूपी चादर उसको ओढ़ लेते हैं, तब भी प्रकृति के वातावरण में छोटा सा बीज अपनी कर्मठता से सिंगों से अपने धरती को पहाड़ते हुए, संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, यह नींद अंकुर कोमल सिंह फूली हुई बीज के छत बिंब के ऊपर उपस्थित होता है। देखिए, आराम कस लोग, कामचोर लोग क्या करते हैं, दिन में भी समय मिलेगा तो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, कहते हैं किसको देखे किसको रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोए, वही सोचते हैं, ये देखिए ना ऐसा सोचते हैं वो, और कामचोर लोग क्या करते हैं, जब भी मौका मिलता है आराम से सोते हैं। मर जान लीजिए, आपके नींद के बावजूद भी एक छोटा सा बीज जमीन में पड़ा है ना, वो संघर्ष करता है, जानते हैं, अरे उसके पास कुछ औकात नहीं है, मगर पानी के कुछ बूंदों से फूल जाता है, आपको ऊपर छत का मिट्टी कारण पड़ा हुआ है, उसको फाड़ कर धरती का सीना चीर कर निकलता है, और वहाँ से बनता है एक वृक्ष, विशाल वृक्ष बनता है। कहने का मतलब कि आलसी लोग, कामचोर लोग आलस करते रहते हैं, और मेहनती लोग मेहनत करके कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। अला है, कभी गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है, कहते हैं गरीब बस्तियाँ, क्यों कहते हैं गरीब बस्तियों का, देखिए गरीब बस्तियों का ये कहना चाहते हैं कि कभी गरीब बस्तियों का उल्लेख के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहाँ के लोग दो वक्त, दो जून लिखा हुआ है इसमें, दो जून लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, दो जून, दो वक्त की रोटी नहीं निकाल पाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ जब करते हैं, देवी का जागरण करते हैं, कोई महोत्सव करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ स्वार्थी लोगों के चक्कर में पड़ के डीजे बनवा के बहुत जोर शोर से खर्चा करके अपना पूंजी मोटा रकम बर्बाद कर लेते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं, अपनी गरीबी को देखते नहीं हैं। अब बताइए, जितना पैसा वो खर्च किया पूजा पाठ हनुमान आराधना करने में, उतना पैसा से उसका साल भर का भोजन चल जाता,
जीवन दो रोटी बस रोटी। अब कौन फायदा हुआ उतना जो धूमधाम से करने से कि कल हो के भाई इसे कर्जा लेने जा रहे हैं, उसे कर्जा लेने जा रहे हैं, कौन फायदा हुआ करने के, क्या समझे? देवी मैया कही है कि इतना सा खर्चा करके हमारा जागरण करा भगवान, उसमें तो यह बताया गया कि भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई आकार नहीं, यह बताया गया शास्त्र में। तब किस आकार का बनाइएगा जिसका कोई आकार ही नहीं है, कैसे बनाइएगा? और फिर बताया जाता है कि नहीं उसका आकार है। चलिए अगला देखिए, कौन भगवान का जागरण कराइए, नहीं ये हमारी सोच है, गरीबों की सोच है कि बस गरीब रहना है कर लो। अगला है, कभी किन अत्याचारियों की जगती की है, क्यों करते हैं? कभी कहते हैं कि आज सब जगह अत्याचारी लोग बैठा हुआ है, ए आराम की जिंदगी जी रहे हैं अत्याचारी लोग, आपके आराम की जिंदगी को हलाल करने के लिए बैठे हुए हैं, ये ऐसे आराम की जिंदगी जो हम लोग डाल ली है उसी का लाभ अत्याचारी उठा रहे हैं, जितना आराम की जिंदगी हम जीतेंगे ना उतने अत्याचारी उठाएंगे उसका लाभ, नहीं समझे? जितना आप आलसी हो जाइएगा आपका सामान उतने चोरी होगा, जान लीजिए। रात को कुछ कहे थे आपने दरवाजे पे किए हैं, आलसी हैं, उठ के जा नहीं सकते हैं, रात को देखे थे, सुबह में नहीं देखिएगा उस चीज़ को, गायब कर देगा आपका, जानेगा कि इस लोग का घर के आदमी सबसे आलसी है, सोता तो उठता नहीं, वो घर में ज़्यादा डाका पड़ता है, डाकू जो डाका करता है ना चोरी, पहले पता कर लेता है घर के बारे में, घर के लोग आलसी उलसी जो है कि एक्टिव है, ऐसा नहीं कि घर के बारे रात को कौन खाखारते हुए निकलता है टॉयलेट करने, कौन बाथरूम करने को निकलता रहता है बार रात को, हमारे टोला में कोई चोरी करने आएगा, मजाल है किसी का? रात रात में 12 बजे रात को झगड़ा होता है, उधर जब झगड़ा होता है तो उन्हें कहा गना से निकलता डायरेक्ट, लाठी भाला निकल जाता, चाकू को सब निकल जाता है, अब बाप बेटा को काटता है, बेटा बाप को काटता है बैठ के, हमारे घर पड़ोसी झगड़ा होता है, जब देखे होइएगा जब झगड़ा होता है तो वहाँ पता, हम लोग कहते हैं दूर से नमस्ते, हम जाए नहीं करते उसमें, एक बार मेरी मम्मी गई थी लग गया था यहाँ पे चाकू से, हम कहें ना जाइए कहीं हो रहा है, हम तो जेबे नहीं करूँ, मर जा गला काटे, वो आती है बुला रहे बुआ चलाना हो गर्दन काट दिली हो, हम कहीं ना काटे जो हर बार ऐसे हो जाओ जा जब तो कौन सा हमारा तक सोचे तो छोड़ दिया मर दिया ना आइया हम ना जब में छोड़ा जेबे नहीं करूँ, आए कुछ नहीं होता, दो दिन के बाद बैठ के तो सब बाप बेटा पूजा खाई जाता रात को झगड़ा करता है, सुबह में सब भूजा खाता है बैठ के चाय पीता है, चाय रस खाते रहता है, हमको नौटंकी रात में यही पता कि वो सब जो है ना उसका कमाल रहता है, हम अब रात में समझ में आ गया हमको, तो हम उधर जाने देना बंद कर दिए, 5-6-10 साल से यहाँ पे हम उसको झगड़ा में नहीं जाते, पहले चल जाते थे कभी कोई छुड़ाने। किन अत्याचारियों की बात किए हैं, देखिए कहते हैं सुनिएगा, जो सुखभोगी होते हैं ना सुखभोगी उसका सामान ज़्यादा चोरी होता है, आलसी लोगों का सामान ज़्यादा चोरी होता है, जिंदगी में लोग क्या कर लिए हैं आज सब ऐसो आराम ऐसो आराम के जिंदगी जीने के चक्कर में हम लोग क्या कर लिए अपने जीवन को संकट में डाल लिए हैं, और अपराधी इसका फायदा उठाते जा रहा है ना, जितना आप आलसी बनिएगा जितना निकम्मा बनिएगा अपराधी लोग उतने आपका फायदा उठाएगा, समझे? उद्यमी बनिए कर्म कीजिए है ना, आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता है। अगला है, इनकार करना ना भूलवाने वाले व्यक्ति कौन है, देखिए कौन व्यक्ति इनकार कर देते हैं, आज समाज के हर वह हट धर्मी समझते हैं, हट्ठी लोग मैंने हट करता है जिद करने वाले लोग, जिद्दी लोग सब कुछ को संवैधानिक असंवैधानिक वैधानिक स्तर सब तरह गलती करते जा रहे हैं और एक भी गलती का स्वीकार नहीं करेंगे, आलसी लोगों को कहिएगा आप आलसी हैं तो आप महाफायर हो जाएंगे लोग चोटा, तू आलसी तोर खानदान आलसी तोर बाप आलसी तोर खानदान आलसी तोर है, हम आलसी है चोटा रे है हम आलसी है, वो आपको आलसी आलसी को आलसी कहती है, बड़ा बड़ा खराब लगता है उसको, आने वाला संतान को भी आलसी बना देता है, हाँ पूरा थोड़ा तू बेटा जो पैदा लगा वो आलसी तो शादी होने वाला बीबी आलसी सब आलसी बना देगा, ऐसा ऐसा आलसी लोगों का आप आलसी नहीं कर सकते, वो जिद्दी होता है, जानते हैं जितना गलत लोग होते हैं ना वो बड़ा जिद्दी होते हैं, गलत लोगों का पहचान यही है कि जिद्दी होंगे ज़्यादा होंगे, वो जिद करेंगे वो जिद्दी होते हैं, लेकिन आज संसार में सब जान चुका है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे सब लोग यही कह रहा है कि हम सुरक्षित हैं, घर में ताला लगे बारी, अरे भाई जिसका घर में चोरी हुआ है नाका पड़ा है वो ताला लगेली था, जिसका बाइक चोरी हुआ है ना वो लॉक लगेली था, और यह कार चोरी हुआ है उसके कार में सेंसर भी था, चोर चोरी करके गया है उस बड़का पढ़ाउ करके आता है वो प्लानिंग बना के आता है, समझिए जिसका बस उल्टा है वो ड्राइवर ट्रेन था चलाने में माहिर था कल उलट गया है, क्या समझे? सुरक्षित कोई नहीं है इस संसार में, सुरक्षित कोई नहीं है, आप अपने आप को मान लिए हैं
सतर्क रहिएगा, जीवन सुरक्षित चलेगा, फिजूल खर्च ना कीजिए, कर्म करने पर विश्वास रखिए, ऐसा आशा मत कीजिए कि कोई कर देगा आपका, कोई करने वाला नहीं है आपका, ठीक है। मेहनती कैसे बनिएगा, उस बीज की तरह धरती के सीना फाड़ कर निकलिएगा, है ना, उस बीज की तरह उद्यमी बनिए, मेहनती बनिए, नहीं तो नींद में रहिएगा तो हमारी नींद में क्या क्या हो जाएगा समझते हैं ना, पापी लोग जगे रहते हैं। अगला कविता का शीर्षक सार्थकता समझ कीजिए, क्या इस कविता का जो शीर्षक है क्या सही है? बिल्कुल सही लगा, इस कविता का शीर्षक है बिल्कुल सही है, वो बताया गया है कि हमारे नींद के बावजूद भी किस तरह से काम होते हैं, और बताया है क्या कि इसमें बताया है कि इस हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उस पर विषय वस्तु उसी को जोड़कर लिखा गया है, बताया गया है कि हमारे नींद के बावजूद भी कुछ काम होते रहते हैं, और इसी के बताया गया इस पाठ में, और एक कविता का शीर्षक बिल्कुल सार्थक है ना। अगला है वह व्याख्या करने वाला, गरीब बस्तियों में भी हुआ धमाके से हुआ क्या, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ क्या थी, देवी का जागरण, किस पर हुआ, लाउड स्पीकर पे, मतलब गरीब लोग अपनी गरीबी को ना देखकर क्या करते हैं, दिखावा के जिंदगी में चंद लोगों के बहकावे में आकर बड़ा बड़ा मंडली को बुला लेते हैं, जागरण करवाते हैं, डीजे बजवाते हैं, और अपना सारा जमा पूंजी उसके हाथों में सौंप देते हैं, वो आराम से जाता है डीजे बजा के, मंडली आता है देवी का जागरण करने, चार पांच को लड़की आ जाती है सिंगर, चार पांच को लड़का सा सिंगर आ जाता है उसमें, भजनिया भजनिया साज बजाता है, हाँ जागरण होता है, जागरण अपने अपनी तरह जागरण नहीं करता, शहर में जाइएगा ना हनुमान आराधना होता है ना, जागरण खाली होता है वहाँ पर, शहर सब में हनुमान आराधना होता है बहुत कम, 1% 2% लोग कराते हैं, 99% लोग तो जागरण ही कराते हैं, जागरण अच्छा लगता है देखने में, समझिए जागरण का मतलब रात भर जगिए, वो आएगा लड़की लोग डांस कर करके जय माता दी रंग बिरंग का गीत भक्ति गीत गाएगा जुमाएगा आपको, आप जो डांस कीजिएगा सब लोग जय हो खड़े हो जाइए सब लोग डांस करेगा, वही जागरण होता है हाँ, उसके बाद खूब भरपेट खाइए, खाना बगल में बन रहा है खाइए, डांस कीजिए, जागरण जगे तो जगते रहिए, नींद आनी नहीं देगा आपको, जागरण का मतलब क्या, नींद आनी नहीं देगा आपको, रात में झगना है सही में, देखिएगा हम देखे हुए हैं रात में नींद नहीं आती उसको देखने के बाद, बहुत बेस्ट होता है जागरण। अब जागरण वाले को क्या किया आप, अपना 1.5 लाख में जागरण बुलाएं, 1.5 लाख रुपये को सौंप दिए, वो बेचारा 15 आदमी का टीम था, आराम से बांटा 10-10 रुपये आराम की जिंदगी जी रहा है, उसके बाद बिहार वाला भीख मांग रहे हैं, तो बाबू भैया 1.5 लाख रुपये डीजे हो गए हो, टेंट वाला के सब्जी वाला के कुक वाला के सबको देवे के है, तो कुछ पैसा हेल्प करा, इन्हें हेल्प करा, उन्हें हेल्प करा, फिर कमाओ देवो, आप 6 महीना कमाया था सो गया, और 3 महीना जो कमाने वाला वो भी गया, और 2-3 महीना जो बचा है साल का उस सूद में चल जाएगा, हो गया आपका 1 साल का जागरण, 1 साल में क्या किए, देवी मैया का जागरण किस पे, लाउड स्पीकर पर कर लिए, देवी मैया खुश, आपका भी खुश, बाल बच्चे का ट्यूशन छूट चुका है, ट्यूशन वाले पढ़ा नहीं रहे बिना फी के, डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर रहे बिना पैसे के, हैं चिंटू का पेट खराब है, धर रहा है कहीं से ठेकुआ खाया तो ज़्यादा उबरा है, दवाई नहीं खरीदा रहा है, मुन्नी जवान हो रही है उसको शादी करना है, लड़के वाले आते हैं तो दहेज मांगते हैं, दहेज का बात नहीं हो रहा है, दहेज में सकारे हुए थे बेटी का देंगे, फ्रिज खरीद के फ्रिज नहीं दी है, उधर आत्महत्या की धमकी दे रहा है कि बेटी को मार देंगे, यही से सुनने के लिए किया जागरण, अरे भाई अपना जीवन चलाइए, देवी मैया का जागरण करने के लिए कौन कहा था आपको उतना 1.5 लाख का, वहीं फ्रिज खरीद देते, चिंटू का फी भर देते, उसका पेट झड़ने वाला था पैसा कुछ देते घर में, पेट झड़ेगा तो दवाई खाएगा, ये सब नहीं सोचने का है, क्या सोचिएगा, वो जागरण किया था हमू जागरण करेंगे, करा खूब करा, देवी मैया बड़ा प्रसन्न होंगे, यही प्रसन्न है, तो समझ में आ रहा है ना बातें, क्लियर है ना, हाँ यही यही वास्तविकता है, यही वास्तविकता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, यानी तो साधन सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, व्याख्या कीजिए, ए अत्याचारी लोग आपका ताला खोलने का व्यवस्था है, सिप्टी पिन पिन पेचकस पिला सब रखे हुए हैं आपका सराहना सत्य करने के लिए, ब्लेड चाकू बम बारूद पिस्टन AK-47 सब व्यवस्था करके रख ले है, घबराइए नहीं उसका निशाना खाली नहीं जाता है, घबराइए नहीं, आपका कैसे ताला खोल देगा, आप कहीं भी सुख रहिए आपका जान खतरे में है, मैंने पूरा व्यवस्था में लगा हुआ है, वो जो चोर उचक्का आपको क्या लगता है, वो दिन में सो रहा मैंने कहीं कर रहा दिन में देखे सुबह सो जाता है, दिन में प्लानिंग बनाएगा सब, रात को यहाँ जाना है रात को वहाँ जाना है, कभी ये बैंक में कभी वो बैंक में किसी दुकान में किसी वो दुकान में किसी ये आदमी को कभी वो आदमी को क्या करिए, मोबाइल छीनना है कभी कैमरा छीनना है कभी चैन खींचना है कभी ये करना है, सब कौन करता है, अपराधी लोग, आपको क्या लगता है कि कोई जा रहा था और किसी के गला में चैन देखा और लिया और नोच के भाग गया, आपको क्या लगता है वो सही लग रहा है, आपको गलत फहमी में जी रहे हैं आप,
उस चैन खींचने के लिए ना बहुत मशक्कत किया है बेचारा, कितना प्लानिंग बनाया होगा। पहला नंबर प्लानिंग, चैन खींचे और नहीं खींचाया, हम पकड़ा गए तो क्या होगा, पहला प्लानिंग वो उपाय करके रखे होगा, अब मसले उपाय करके रख ले होगा पहले ये से, तो बाद पुलिस वुलिस करेगा कैसे घूस देंगे, सेटिंग वेटिंग करके रख लिया सब। ओकरा बाद चैन खिंचा गया तो भागना किधर से है, किधर से कूदना है, उसका व्यवस्था। अब फिर बाद में चैन पकड़ा गया रखे हुए हैं बाहर जाके, तब क्या करेंगे उसका व्यवस्था। हाँ लेके आ गए चैन तो बेचना कहाँ, उसका व्यवस्था, सारा प्लानिंग बना के चलता है। आपको क्या लगता है चैन सीधे खींच लिया, अब क्या रास्ता में जा रहे थे बताते फोन के खींच चला गया, अरे जो फोन खींचा ना प्लानिंग बना ले था पहले से सब कुछ करने का, जितना अत्याचारी है सब प्लानिंग बना ले हैं, बहुत प्लानिंग बना ले है वो। इसीलिए नींद के बावजूद भी आप सतर्क रहिए, आप नींद में मत सोइए, सतर्क रहिए, आपका हर लूटने का व्यवस्था सब लोग कर चुका है, सतर्क रहिएगा अच्छा रहिएगा। अगला प्रश्न भी है, आठ नंबर तो भी हुआ है ना, हमारी नींद के बावजूद। अच्छा एक व्याख्या करना है तो बता रहे हैं हमारी नींद के बावजूद भी क्या हो रहा है, अपराधी जो है ना अपना काम में लगे हुए हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आलसी है, क्या कर रहे हैं वो नींद में खो चुके हैं, नींद पूरा करने में लगे हुए हैं, गए का ट्यूशन बंद है सो जाते हैं, सो जाइए। अरे आप कभी सोचे हैं ट्यूशन बंद है तो रिवाइज कर लेते हैं, पिछला छुट्टा हुआ याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, आप सो जाते हैं। अरे भाई क्यों, सोना तो जिंदगी भर है, आधा तो जिंदगी तो ऐसे ही सो के बिताते हैं। वो कहावत याद है ना, क्या बचपना बचपना खेल में गुजरा, जवानी नींद में बीती, बुढ़ापा देख कर रोया, ना ना वही हाल हो जाए, बचपना खेल में बिता जाते हैं, जवानी में सोते हैं, तो बुढ़ापा में रोइएगा क्या बचेगा। इसीलिए सतर्क रहिए। और जो चोर डाकू गुंडा है ना, वो जो है ना वो सब लूटने के लिए आपका पूरा प्लानिंग बना के सारा सामान रखे हुआ है, पूरा एकदम ही पूरा टीम क्रिएटिव है कि हम एना फेंकवाओ तू ना जाइए, तू एना ना करिए, एना ना करिए, वहाँ से ये भागिए, वहाँ से देखिए देखिए तो अलार्म बजाइए, सब कुछ प्लानिंग बनाता है वो सब। आपको लगता है कैसे चोरी करता, नहीं सब कुछ करता है। वही बात यह बताया गया है कि जो आराम वाले लोग आराम करते रहते हैं, जो लूटने वाले हैं प्लानिंग बना के आपको लूटने में लगे हुए हैं और लूट रहे हैं आपको, सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। सतर्क रहिएगा, अच्छा रहिएगा।